हाय आमिर सर, आलोक आपके पास। हाँ आलोक सर, अगर आपको कभी कोई किताब लिखनी हो तो, क्योंकि कभी एलियन पे फिल्म बना देते हैं राजू सर आप मिल करके, कभी पेट पे किताब आ जाती है, आपके जहन में कभी कुछ ऐसा ख्याल आया तो किस विषय पर लिखना चाहेंगे? नहीं, मैंने एक्चुअली सोचा नहीं इस पे, लेकिन आई गेस फॉर मी द मोस्ट नेचुरल थिंग वुड बी टू राइट अबाउट माई एक्सपीरियंसेस इन माई करियर इन माई लाइफ, सो बुक ऑन माई लाइफ, बट इफ आई डू दैट आई डोंट नो। Amit, can you do that? We would love to read it. देखिए राइटर भी हैं, पब्लिशर भी हैं यहाँ पे। हाँ पता नहीं, इफ आई राइट आई डोंट नो, बट सर बहुत सारे ऑफर आए होंगे कि आपके। हाँ, मुझे कई लोगों ने कहा है लिखने के लिए, लेकिन मैं लेकिन मैं मतलब मैं इस वक्त इतना चीज़ों में जो अपना फिल्म के काम में मसरूफ हूँ, तो मुझे मौका नहीं मिलता है टू सिट बैक एंड यू नो थिंक अबाउट माई लाइफ एंड राइट इट। समटाइम्स आई फील आई शुड जस्ट रिकॉर्ड इट फॉर नाउ एंड देन यू नो लेटर ऑन व्हेन आई वांट टू राइट इट आई वुड हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स रिकॉर्डेड, सो वो भी थॉट्स आते हैं। चलिए आपने अभी सजेस्ट किया तो मैं इस पर कोशिश करता हूँ। राजू सर, बाबा के ऊपर तो फिल्म बन गई है, आमिर सर के ऊपर अगर अभी आपने बोला, कभी अगर प्लान हुआ तो करना चाहेंगे? आपके राइट में, बस आप सुन लीजिए सर यार। मेरी लाइफ बड़ी बोरिंग है यार। अरे नहीं सर नहीं, अभी तो एक बायोपिक की है तो आमिर लिखेंगे, और तो कौन नहीं बनाना चाहेगा आमिर के लाइफ पे बायोपिक, कौन नहीं बनाना चाहेगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू फिनिश स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट तो नहीं, खुद लिखनी पड़ेगी। वो लिख रहे हैं 50 साल से, तो लिख ही रहे हैं, अब किताब पर डालनी पड़ेगी। जी